लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक ओर जहां संक्रमित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, वहीं मौत का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण इंजेक्शन रेमडेसिविर की घोर किल्लत हो रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर की किल्लत ना हो और आम लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल आगे आए हैं। उन्होंने कोविड केयर सेंटरों और में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो सके, इसके लिए अपनी विधायक निधि से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 10 लाख की राशि और रेमडेसिविर के लिए 5 लाख की राशि उपलब्ध कराई है। बता दें कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल अवस्थित कोविड सेंटर और दूसरे कई अस्पतालों से लगातार ऑक्सीजन रेगुलेटर और जरूरी इंजेक्शन रेमडेसिविर के बढ़ते डिमांड के साथ घोर किल्लत होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने तत्काल पहल की और हजारीबाग जिला के उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी विधायक निधि की राशि से 10 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और 5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के क्रय हेतु विमुक्त करने की अनुशंसा की है।